उदयपुर में जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने ली बैठक। जिला स्तर पर पौधारोपण स्थल और पौधों की किस्म का चयन करने के दिए निर्देश। अमेरिकी राजदूत पेट्रिशिया एलेंसिना ने भरतपुर में कई ऐतिहासिक स्थलों का किया भ्रमण। लोहागढ़ किला और यहां के म्यूजियम के बारे में ली जानकारी। प्रतापगढ़ में महिला सिलाई प्रशिक्षण का हुआ समापन। संस्थान द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रशस्ति पत्र व सिलाई टूल की प्रदान कर किया गया सम्मानित। जयपुर के श्री कलताजी पीठ में 10 दिवसीय रामानुज जयंती महोत्सव संपन्न। स्वामी अवधेशाचार्य के सानिध्य में किया गया भगवान का अभिषेक। जयपुर में 12वें पाटोत्सव के तहत श्री कृष्ण बलराम की निकाली गई रथ यात्रा। हजारों की संख्या में भक्त हुए शामिल। श्री कृष्ण बलराम मंदिर में महाआरती का किया गया आयोजन। झालावाड़ के झालरापाटन में मदर्स डे पर कई कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। माताओं का किया गया सम्मान समारोह। जयपुर में गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद के जीके भवन का गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने किया निरीक्षण। संस्था के मुख्य संरक्षक गौरव बजाड़, प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह तंवर सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रार द्वारा नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर्स को किया गया सम्मानित। जयपुर में राजस्थान ब्राह्मण महासभा की ओर से भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में संत महात्माओं के साथ स्थानीय लोग रहे मौजूद। बालोतरा में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। उत्कृष्ट कार्य करने वाले 55 नर्सेज कर्मियों का किया गया स्वागत। जयपुर में सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा प्रदेश स्तरीय ब्राह्मण रत्न समारोह का हुआ आयोजन। समाज की 45 प्रतिभाओं को किया गया सम्मानित। बालोतरा जिले में अवैध गतिविधियों व तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। मिट्टी से भरे ट्रक में 40 कार्टन शराब की बरामद। जयपुर में पुलिस ने मानव अंग तस्करी और प्रत्यारोपण मामले में पुलिस ने फोर्टिस अस्पताल के 2 चिकित्सकों को किया गिरफ्तार। पुलिस की पूछताछ जारी। केकड़ी की जिला स्पेशल टीम व भिनाई थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ की कार्रवाई। अवैध मादक पदार्थ के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जोधपुर के अंबेडकर अध्ययन केंद्र द्वारा संविधान सभा के 8वें सत्र पर ऑनलाइन कार्यशाला का होगा आयोजन। कार्यशाला के पोस्टर का हुआ विमोचन।